पंजाब और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाकर पूरे देश को बड़ा संदेश दिया है। कृषि कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसानों में हर उम्र के लोग हैं, फिर चाहे वो पुरुष हो या फिर महिलाएं। पंजाब से दो बुजुर्ग महिलाएं जो 80 से अधिक उम्र की हैं, उन्होंने भी प्रदर्शन में शामिल होकर चर्चा बटोरी है। बंडिया की महेंद्र कौर और बरनाल की जनगीर कौर किसान आंदोलन का चेहरा बन चुकी हैं और हर किसी को प्रेरणा दे रही हैं। कृषि कानून के खिलाफ सितंबर महीने में पंजाब में आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तभी से दोनों महिलाएं इन आंदोलन में भाग ले रही हैं। महेंद्र कौर के पास कुल 12 एकड़ जमीन है। महेंद्र कौर न सिर्फ खुद प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं, बल्कि आंदोलन के लिए आर्थिक मदद भी पहुंचा रही हैं। बीते दिनों फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट पर उनकी तस्वीर साझा करते हुए लिखा था कि यही दादी शाहीनबाग गई थी और अब पैसों के लिए यहां आ गई हैं। कंगना ने शाहीनबाग की दादी विस्मिल से महेंद्र कौर की तुलना कर दी थी। पंजाब की महेंद्र कौर अभी भी घरों में सब्जी उगाती हैं। उनके मुताबिक जब वो लोगों के साथ अपने गांव के पेट्रोल पंप तक गई थी, तभी किसी ने तस्वीर खींच ली थी जो बाद में चर्चा का विषय बनी। वायरल तस्वीर में महेंद्र कौर भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रह का झंडा हाथ में थामी हुई है। महेंद्र के अलावा जंगीर कौर भी लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। बरनाल की दादी ने मांग की है कि सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए और कानून वापस ले लेना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले एक हफ्ते से किसान दिल्ली की सड़कों पर डटे हैं, लेकिन दो महीने से पंजाब के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन जारी था। किसानों ने पंजाब में लंबे वक्त तक ट्रेनों को रोका था, मंडी में काम ठप रखा। अब दिल्ली NCR इलाकों में किसानों के प्रदर्शन के कारण जाम की स्थिति है और लोग परेशान हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे भी जुड़े रहिए जेड न्यूज के साथ और देखते रहिए आगे की बड़ी अपडेट। धन्यवाद।